पर मेरी किस्मत देखो, मोगैम्बो के साथ मुझे गब्बर भी मिल गया। थैंक यू विक्टर। और ये है सत्या। अब विक्टर जेल में है, अगर मुझे उनके साथ देखो तो गलती से भी मुझे मार मत देना। ठीक से देख लो मुझे, इट्स मी सत्यदेव। ये वो दुराहा है जहां से एक रास्ता भलाई की ओर जाता है तो दूसरा नरक में धकेल देता है। मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया है कि तुम ये धंधा छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई भी ताकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। तुम सोच लो। एक एक करके मैंने लोकल गुंडों को तलाशना शुरू किया और जो जो मिलता गया उन सबको जेल में भरता चला गया, जिससे कई लोग मेरे दुश्मन बनते चले गए। बहुत उड़ रहा है तू आजकल। पुलिस वालों के साथ मैं कभी भी डील नहीं करता। डैनी ने बताया मेरे को सब। हाथ जोड़ता है, लफड़ा नहीं मांगता मेरे को। क्रिश, पैसा लेते जाओ, कम देते जाओ, बात मान लो या डैनी का पता बता दो। तुझे पता चाहिए? सत्यदेव आईपीएस, तो खुद को गैंगस्टर बताता है ना? ये रही तेरी फाइल। खत्म कर दू से, मार दू यहीं पर, मार दू से। ए, रोकी मत मुझे। इसे ऊपर लेकर चलो। ऊपर जाने तक बच गया। ऐसी नकली फाइलें तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। ऐसे वक्त पर मैं तुमसे तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मेरा तुम्हारे साथ ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है। साला पागल है। अब दूसरा जोक भी सुना दे। दूसरा जोक तेरे ऊपर है कुत्ते, मेरे ऊपर पहुंचने से पहले तू मरेगा। मेरी क्रिसमस। तुम ही सत्यदेव हो ना? Hi, nice meeting you. I am DCP. Richard. हाँ, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो लिफ्ट में डैनी को निपटाने से पहले मैंने सुना है कि तुम उससे तीन बातें कहना चाह रहे थे। दो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो तीसरी बात नहीं जानता हूँ। क्या वो ये थी कि किसी को ऊपर पहुँचाने के लिए लिफ्ट की जगह सीढ़ियां भी यूज कर सकते? वहाँ बाहर लोग क्रिसमस मना रहे हैं और मैंने तुझे रोक लिया है, इसलिए मैं क्रिसमस के साथ साथ दिवाली के पटाखे भी फोड़ूंगा। क्या पटाखा फोड़ा? एक मिनट रुको। मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्यदेव, जो कभी मेरे बाप का बॉडीगार्ड हुआ करता था। देख, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, मुझे जाने दे, बाकी मेरा बाप संभाल लेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बेटे हो तो अपने बाप से कहना पहले तुम्हें संभाल कर रखे। अरेस्ट हिम। क्या? अरे सुनो तो, ये बात याद रखना, वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, गैंगस्टर है। वो ट्रेन से उतर कर दो नंबर गेट से निकलेगा, वहां अरुण होगा। अरुण ने छोड़ा तो पांडे मिलेगा,
अगर पांडे से बचा तो मैं मिलूंगा। ओके सर। कौन से स्टैंड का है तू? किसी स्टैंड का नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। क्या कहा? तुम घबराओ नहीं, जाओ। कोई ऑटो नहीं मिल रही है, तुम मना मत करना प्लीज। सॉरी मैडम, ऑटो खाली नहीं है। मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। मैडम कोई दूसरा ऑटो ले लीजिए, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम करना है। इससे जरूरी भी कोई काम है क्या? आजकल मर्दों में कोई इंसानियत ही नहीं बची है। प्रेग्नेंट औरतों को भी कोई मदद नहीं करता। ने उसे ठिकाने लगा दिया सर। थैंक गॉड। एक मिनट सर। साहब घर पे हैं क्या? फ्रेंड है अपन। बाहर तो आइए सर। गोल्डन राज नाम है। नमस्कार सर। घर के बाहर ही रहो। बिना जाने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप तो नाराज हो गए। यहाँ तुम भलाई के काम के लिए तो नहीं आए होगे। बैठिए तो सही। जानता हूँ आपको बहुत टेंशन है, आप लोग अपन को खत्म कर देना चाहते हैं, पर सुना है कि अगर आप चाहें तो उस हिट लिस्ट से मेरा नाम हटा सकते हैं। 1 करोड़ अभी साथ लाया हूँ, 1 करोड़ कल दे दूंगा। अपन को यकीन है कि आप ये बात समझ जाएंगे। और बेटे की शादी की बात तो भूल ही गया। काट देना। अगर अरेस्ट हो गया तो बेटी की शादी में बहुत बेइज्जती होगी। लड़की का बाप हूं, थोड़ा रहम कीजिए। तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, दूसरे ज्यादा जरूरी हैं। तू तो वैसे ही फंस गया फालतू में। फालतू में? तू गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गया। घुन हूं मैं? घुन मत समझो सत्यदेव। इसी बीच पांडियन को तुमने मालपुरा में मारा था। शहर के सारे कॉलेज स्कूल के बाहर तुम्हारे ही आदमी ड्रग्स बेच रहे हैं। साले कमीने, सच्चाई जानता हूं मैं। ठीक, पैसे लेकर आया हूं, कल और दूंगा, जितना चाहो उतना। इसे गलत मत समझना, जिंदगी में जितना भी जोखिम उठा लो या जितनी भी मेहनत कर लो, तुम उतना नहीं कमा सकते जितना मेरे गैंग का एक छोटा सा घोर का कमा लेता है। पैसे के बिना जिंदगी बेकार है, जानता हूं मैं। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े कहो, मैं दूंगा, बहुत पैसा है। हिट लिस्ट से नाम हटवा दो, बस इतना ही। मैंने सुना है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़े की भी नहीं है। किसने कहा ये? एक मरा हुआ घोड़ा भी पूरे 1.25 लाख का होता है, सुना नहीं क्या? तुम मुझे फंसाने आए हो क्या? तुम दोनों में से माइक किसने छुपा रखा है, या कैमरा किधर रखा है, या अपने पीछे न्यूज चैनल को साथ लेकर आए हो? ए, चीची, क्या बोल रहा है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो राज। चलो कपड़े उतारो, प्रूव करो कि ऐसा नहीं है। पैसा तो मैं कहीं और ले लूंगा। समझ गया, चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें नंगा होते हुए देखकर मुझे शर्म आएगी। मेरा कांस्टेबल आएगा, उसके चेक करने के बाद फिर मिलूंगा। सर्वम। जी सर। आज तुम लेट आए थे ना, जाओ सजा भुगतो। सर आप अपनी शर्ट पैंट उतार दीजिए, और तू भी। कई बनियान में तो कैमरा माइक नहीं छुपाया। सर माइक कैमरा कुछ भी नहीं है। ए,
रहे सत्यदेव। रुको। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हा? मेरे ही घर में घुसकर मुझे खरीदने आए हो? यही हो तुम। You are nothing. सत्या। And I am a police officer, DCP सत्यदेव। तेरी तरह नहीं हूँ जो गुंडागर्दी के बल पर कानून का खुलेआम बलात्कार करता है। गवर्नमेंट मुझे भरपूर तनख्वाह देती है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास। वहाँ खड़ा वो कांस्टेबल अपने काम की वजह से प्रमोशन पाता है, वफादार है वो मेरा। पर तेरे गुर्गों को तेरे मरने के बाद मिलता है प्रमोशन, वो सब तेरे मरने का इंतजार करते हैं। हे, मेरा बाप बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन उसके मरने के बाद आज मैं हूँ डीसीपी। तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे, वो तेरे मुंह पर थूकेंगे। साले सर्वम। जी सर। अगर ये यहाँ एक मिनट भी रुका तो इसे काट डालूंगा। नाउ गेट आउट। चल साले, दफा हो जा। क्या तूने सांप के बिल में हाथ डाला है? निकल। कल 12 बजे मैं खुद आऊंगा तुझे अरेस्ट करने। चल जा यहां से। चलो निकलो यहां से। अरे निकलो, चलो चलो चलो। पैसा कम नहीं था? तेरे पास तो ऐसे बहुत आते होंगे। मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूं डैड, आप ही ने कहा था ना। और मुसीबत यह है कि आप हमेशा साथ रहते हैं, तो घूस कब लूं? तो मुसीबत मैं हूं। मुरली के नाम पे रजिस्टर क्यों है, जबकि इंस्टॉलमेंट तुम ही भर रही हो? पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना। इस शादी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आई एम हैप्पी मनोज। ये तलाक बस बिना झगड़े के हो जाए, इतना ही काफी है। लेकिन मैं तो तुम्हारे एलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था। चलो कोई नहीं। हेलो सर। ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर असल जिंदगी में एक ऑटो वाला 2 साल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। वाओ। Really? I'm joking. अगले ही दिन हॉस्पिटल के टीवी पर मैंने आपको न्यूज में यूनिफॉर्म में देखा था। अच्छा, इसका नाम क्या है? ईशा। हाय बेबी। उस रात आप ही की वजह से इसकी जान बच पाई है, वरना पता नहीं क्या होता। Oh, come on. जाओगी बेटा? जाओ। फोन नंबर निकाल सकते हो? ये काम थोड़ा पर्सनल है। श्योर। अपराधी का नाम, जगह, नेटवर्क, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, सब निकाल लूंगा। हेमानिका। हेमा मालिनी सुना? हेमानिका कौन है? हेमानिका वो डांसर है। हेमानिका भरतनाट्यम डांसर, वो तो बहुत फेमस है, वही ना? हाँ वही है। आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? क्या आप उससे भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बगल के बंगले का एक बच्चा डांस सीखना चाहता है और उसे उन्हीं से सीखना है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मेरे घर के बगल में भी एक बच्ची है, वो भी उन्हीं से डांस सीखती है, मैंने कई बार उसे वहाँ पर ड्रॉप किया है। पका एक काम करो सत्या, अपने उस पड़ोसी का नंबर मुझे दे दो, वो मैं अपने पड़ोसी को दे दूंगा, दोनों आपस में कांटेक्ट कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगा, तुम बस नंबर पता लगा लो। अपराधी ने जाल बिछा कर पुलिस को फंसा लिया है। तुमने कुछ कहा? 5 मिनट के अंदर नंबर आपके पास होगा। थैंक्स। हाय सत्या, ये है हेमानिका का नंबर। हाय, मैं सत्यदेव, ये मेरा नंबर है, सोचा आपको हेलो कह दूं। हेलो, गुड टू हियर फ्रॉम यू, विल बी इन टच, हेमानिका। हाय हेमानिका, मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी?
जब भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। सॉरी आई वाज ट्रैवलिंग। लेके जाओ इसको। आज तो खोल के देगा तेरे को मैं। ले चलो साले को।